मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए नियमित रूप से निगरानी करते हुए अधिकारियों को हर संभव उपाय तथा अधिक से अधिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं तथा समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वयं भी अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमितों को आवश्यक इलाज मुहैया कराने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही एम्स में 100 बेड तथा BRD मेडिकल कॉलेज के बाल संस्थान में 300 बेड का L2 एवं L3 कोविड-19 अस्पताल शीघ्र संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था, चिकित्सालयों की उपलब्धता, स्वच्छता एवं भोजन की व्यवस्था से संबंध में जिलाधिकारी KVN पांड्यन ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जिले में कुल 4 L1 फैसिलिटी सेंटर के रूप में अधिकृत किया गया है, जिसमें लगभग 1400 से अधिक बेड उपलब्ध हैं। इसी प्रकार L2 फैसिलिटी सेंटर के रूप में कुल 9 चिकित्सालयों को अधिकृत किया गया है, जिसमें 222 बेड उपलब्ध हैं तथा L3 स्तर के 2 फैसिलिटी सेंटरों में 225 बेड उपलब्ध हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में BRD मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कुल 3 RT-PCR मशीन उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अभी तक 47,731 जाँच हुई है। ट्रूनेट मशीन जिला अस्पताल में स्थापित है, इसमें अभी तक 1506 जांच हुई है। एंटीजन किट द्वारा 28,027 जांच की गई है। जिले में 9,000 एंटीजन किट उपलब्ध है। इस प्रकार कुल 77,264 जांच हुई, जिसमें 6,563 पॉजिटिव एवं 70,701 निगेटिव केस पाए गए हैं। इसी प्रकार 4 प्राइवेट लैबों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच की जा रही है तथा गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय सहित अन्य चिकित्सालयों में भी कोरोना संक्रमितों की जांच करने के साथ साथ उनका इलाज भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 840 सर्विलांस टीमों द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर सर्विलांस कार्य किया जा रहा है। कोविड संक्रमण के साथ साथ संचारी रोग नियंत्रण के लिए भी डोर टू डोर सर्विलांस का कार्य किया जा रहा है। सभी MOYC द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। नगर निगम एवं नगर पंचायतों के सभी वार्डों में कर्मचारियों एवं सफाई श्रमिकों के माध्यम से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शहर में कंटेनमेंट जोन एवं हॉट स्पॉटों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रकार जनपद के समस्त विकास खंडों में रोस्टर के अनुसार ग्रामों में सफाई, सैनिटाइजेशन, छिड़काव एवं फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के दृष्टिगत जनपद में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है तथा जनपद में वर्तमान में कुल 448 हॉटस्पॉट सक्रिय हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम स्थापित है। जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन के अंतर्गत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार रोस्टर के अनुसार खुला है। गाइडलाइन के अनुसार पाबंदी जारी है, इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पूरे ज़िले को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित कर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिसके माध्यम से बेहतर ढंग से कार्य निष्पादन कराया जा रहा है। कोरोना के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन में बाहर से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगभग 450 कामगारों को एक जिला एक उत्पाद तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कराया गया है। साथ ही 100 से अधिक प्रवासी मजदूरों को विभिन्न उद्योगों में समायोजित कराकर रोजगार मुहैया कराया गया है तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत 112 PMYEPG योजना में 190 लोगों का आवेदन पत्र बैंकों को भेजकर उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दिलाया जा रहा है। इसी प्रकार मनरेगा के अंतर्गत 37,47,000 मानव दिवस सृजित कर 1,47,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के साथ ही 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है तथा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके तहत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।